गाइज हजारों लाखों आउटफिट्स हैं मेंस के लिए, लेकिन 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 गाइज कौन ऐसा आउटफिट है जो हर जगह चल जाए, जो सबसे बेस्ट हो, जो सिंपल हो बट सेक्सी भी हो, चाहे आपका स्किन कलर डार्क हो या फिर वो सबको सूट करे। इस आउटफिट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इन दिस वीडियो मैं आपको 50 आउटफिट नहीं बताने वाला हूँ कि गाइज ये पहनो, गाइज वो पहनो, गाइज कितना पहनेंगे यार, पैसा कहाँ है मेरे पास। तो गाइज इन दिस वीडियो मैं आपको एक ऐसा आउटफिट बताने वाला हूँ जो कैजुअल भी होगा एंड फॉर्मल भी होगा। उसे कैजुअल और फॉर्मल लुक का फ्यूजन कह सकते हैं। उसे आप पार्टीज में पहन के जा सकते हैं, डेट में पहन के जा सकते हैं, वेडिंग्स पे। तो ड्रेस को देखना है, लेट्स गो। मजा नहीं आया ना, अब आएगा। इस ड्रेस में मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च, दिमाग लगाया एंड फाइनली सबसे बेस्ट ड्रेस जो आया है वो यही होगा। तो इन माय ओपिनियन ये सबसे बेस्ट आउटफिट है फॉर मेन, फॉर बॉयज, चाहे आपका कलर डार्क हो या फेयर हो, आप जैसे भी हो सिर्फ इस ड्रेस को पहन लो एंड यू विल रॉक। तो आपको बस 5 चीजें चाहिए इस ड्रेस को रॉक करने के लिए। नंबर 1 इज व्हाइट शर्ट। गाइस बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि व्हाइट ड्रेस में मैं ब्लैक दिखूंगा, मैं डार्क, मेरा स्किन डार्क आएगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक्चुअली व्हाइट ड्रेस में आप बहुत फैबुलस लगते हो। अगर आप व्हाइट शर्ट पहने हो तो आप बिल्कुल भी डार्क नहीं दिखने वाले। अगर आप येलो पहनोगे तो आप डार्क दिखोगे। अगर आपका स्किन टोन नॉर्मल भी है फिर भी आप डार्क दिखोगे अगर येलो शर्ट पहनोगे तो। इसलिए मैं कभी येलो शर्ट नहीं लेता। अगर आप बहुत फेयर हो तो आप उसे रॉक कर सकते हो। सेकंड थिंग जो आती है वो है ब्लैक जीन्स। इधर ब्लैक कॉटन जीन्स भी ले सकते हैं एंड नॉर्मल ब्लैक डेनिम जीन्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉटन ब्लैक जीन्स ले। उसका जो टेक्सचर है वो ज्यादा अच्छा लगता है। गाइस आप ब्लैक जीन्स के बदले ब्लू जीन्स भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लू जीन्स इसलिए मना किया क्योंकि हम यहाँ पर ब्लैक स्लिम पार्टी टाइप पहनने वाले हैं, इसलिए ब्लैक के साथ ब्लैक ज्यादा अच्छा लगेगा। जो जो खरीदा है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां पर जाके खरीद सकते हैं या फिर आप अपने नियर स्टोर में जाके भी खरीद सकते हैं। तीसरी चीज जो आती है वो है आपको कैजुअल शू पहनना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कैजुअल और फॉर्मल का फ्यूजन होगा, तो आप इस ड्रेस में कैजुअल शू पहनेंगे। आपको सिंपली एक ब्रीदेबल कैजुअल शू पहनने हैं जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो एंड आप उसे हर जगह पहन के आराम से जा सके। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लुक को इतना एनहांस करेगी कि आप भी सोचोगे व्हाट द, किसी भी कलर का शर्ट ले लें, अगर आप ब्लैक जीन्स के साथ उसे पहन रहे हैं तो ब्लैक स्लिम टाई उसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक स्लिम टाई जरूर 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 खरीदें। सो गाइस द लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना आप अधूरे हैं, वो है आपका वॉच। गाइस अगर आप वॉच नहीं पहनते हो तो लगता है कि गाइस कुछ ना कुछ मिसिंग है मेरे फोर आर्म्स में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड वॉच हमें बहुत ही सेक्सी बनाती है, तो गाइस वॉच को मिस ना करें। व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक टाई, वन कैजुअल शू, वन वॉच एंड यू विल बी सुपर सेक्सी बट सुपर सिंपल ऑल्सो। एंड गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारे आउटफिट्स का वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कर सकते हो @asastyling। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऑसम वीडियो। एंड अगर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस बंदे को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा एम है तुम्हें स्मार्ट बनाना, तुम्हें हैंडसम बनाना, तुम्हें खुश रखना।